वालेकुम दोस्तों, आज मैं निबोश का IG-1 एलिमेंट नंबर 3 लेकर आया हूँ। मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। रिस्क को मैनेज कैसे करना है और लोगों को और काम को समझना कैसे है, ये इस हम एलिमेंट में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। माई नेम इज़ मोहम्मद तौकीर अख्तर। आई एम ग्रेजुएट मेम्बर ऑफ आयोश। लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में। आई एम निबोश सर्टिफाइड, आयोश सर्टिफाइड, आयोश ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफाइड, ओशा सर्टिफाइड एंड हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस। चलते हैं आगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या स्टडी करेंगे जी? डिस्क्राइब इट एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का, ये हम देखेंगे। परफॉर्मेंस पर असर अंदाज कैसे होता है। समराइज हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इंप्रूव्ड। कहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसका खुलासा करेंगे हम लोग। समराइज द ह्यूमन फैक्टर विच पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क इन अ वे दैट कैन अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी। ह्यूमन फैक्टर अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो कैसे अंदर असरअंदाज हो सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी पर, ये डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट के असूल कौन कौन से हैं, ये देखेंगे हम लोग। डिस्कस टिपिकल वर्क प्लेस चेंजेस डैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स एंड वे टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट। अगर काम वाली जगह पर तब्दीलियां आती हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी पर अहम असरात होते हैं, और वो तरीके डिस्कस करेंगे जो इन असरात को कम कर सकते हैं। ठीक हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। डिस्क्राइब व्हाट टू कंसीडर व्हेन डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर जनरल एक्टिविटीज। आम एक्टिविटीज जिनके लिए मखसूस निज़ाम है को तैयार करने और इन पर अमल करते वक्त किस चीज़ पर गौर करना चाहिए, ये देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द रोल फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका किरदार क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस टिपिकल एमरजेंसी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। जो कि एमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, इसके हम इंक्लूड करेंगे ट्रेनिंग को भी और टेस्टिंग को भी। टेस्टिंग और मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है, जैसे ड्रिल वगैरह कंसीडर की जाती है। एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड इज नीडेड इन द वर्क प्लेस। किस लेवल पर फर्स्ट एड की जरूरत महसूस होती है काम वाली जगह पे, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। एलिमेंट 3.1 हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है, डेफिनेशन ये इसकी। द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द शेयर्ड एटीट्यूड वैल्यूज बिलीव्स एंड बिहेवियर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी कंपनी का सेफ्टी कल्चर मुश्तरक अकायद और रवैयों का इकदार का तर्ज अमल होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रवैये होते हैं, लोगों के रवैये होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रवैये होते हैं, और भी काम का भी नेचर होती है, काम की भी नेचर होती है, वो भी देख हम करेंगे डिस्कस आगे। तर्ज अमल क्या है, बिहेव कैसे करता है, अकायद क्या है, बिलीफ क्या है उसका, ठीक है, और तर्ज अमल क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये जो भी बता बातें की हैं, रवैये, इकदार, तर्ज अमल, अकायद, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं।
ये कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस, कल्चर सकावत और परफॉर्मेंस अमली काम में क्या आपस में रिलेशनशिप क्या है इनका आपस में। जब पॉजिटिव कल्चर की बात आएगी तो फिर क्या डिस्कस होगा जी, पीपल थिंक दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, सेफ्टी बहुत अहम है, लोग सोचना शुरू कर देंगे। सेफ्टी इज कंसीडर्ड इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जितनी भी मैनेजमेंट डिसीजन होती हैं उसमें सेफ्टी को कंसीडर किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है उसमें सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई मशीन खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदना है, कोई आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदने हैं, या कुछ भी हमने परचेजिंग करनी है, या कोई इक्विपमेंट लेना है, या कोई आप कह सकते हैं कि वर्किंग एरिया है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, सेफ्टी को कंसीडर लाजमी करेंगे। पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। लोग काम खुद करना चाहेंगे सेफ तरीके से, इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि लोग बताएंगे उनको, उनको अपनी सेफ्टी का पता होगा इसलिए वो करना चाहेंगे। ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पेयर थिंकिंग एंड बिहेवियर, तमाम वर्कर इस हम ख्याल सोच और बिहेवियर से मुस्बत तौर पर मुतासर होते हैं। पेयर थिंकिंग क्या होगी, हम ख्याल सोच। अब चलते हैं कि नेगेटिव कल्चर की तरफ, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक सेफ्टी इज ऑफ लो प्रायोरिटी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेफ्टी की जरूरत कोई नहीं है, लो प्रायोरिटी पे है। सेफ्टी इज नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल, सेफ्टी को मद्देनजर ही रखते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी चीज़ परचेजिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन सेफ्टी को वो मद्देनजर ही रखते हैं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं। पीपल विल ऑनली वर्क सेफली इफ दे आर टोल्ड टू एंड थिंक दैट दे विल बी कॉट एंड पनिश्ड इफ दे डोंट। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने काम करना, इनको बताया जाता है कि अगर आप सेफ तरीके से काम नहीं ना करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप पकड़ेंगे तो, ये उनकी सोच है। ऑल वर्कर्स आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पेयर थिंकिंग एंड बिहेवियर, तमाम वर्कर्स इस हम ख्याल सोच और बिहेवियर से नेगेटिव तौर पर मुतासर होते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कल्चर के बारे में बता दिया गया है कि पॉजिटिव जो है वो लोग खुद उसके जो पॉजिटिव कल्चर होगा हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो लोग सोचना शुरू कर देंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, वो कहेंगे जी हेल्थ एंड सेफ्टी हम लोग खुद करते हैं, हमें खुद चाहिए, कोई हमें बताता नहीं है, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। लेकिन नेगेटिव में उसका बिल्कुल उल्ट हो जाता है, वहाँ लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ये कंसीडर नहीं होती, इसका फ़ायदा कोई नहीं है और उसका कुछ चक्कर नहीं है, लोग इसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। इंडिकेटर्स यूज टू असेस कल्चर, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स एट द इंस्टेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट क्या वो एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, किस लेवल पे, किस स्टैंडर्ड पे किया जाता है, ये देखना पड़ता है। सिकनेस रेट, उनके बीमार होने का रेट क्या है, एब्सेंटीज़म, गैर हाजिर रहने का क्या रिकॉर्ड है उनका। स्टाफ टर्न ओवर, कितना कारोबार किया स्टाफ ने, ये देखा जा सकता है। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स को कितना इंप्लीमेंट किया करते हैं। वर्कर कंप्लेंट्स अबाउट कंडीशन, जो वर्कर है वो कंडीशन के बारे में कितनी कंप्लेन करते हैं। गैदर इन ग्रुप, ये इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स क्या होता है जी, कि लोग जो है एक ग्रुप के अंदर शामिल हो जाते हैं, इसमें क्या होता है इंटरेक्शन अकर्स, बातचीत होती है, इन्फ्लुएंस इज एग्जर्टेड, असर डाला जाता है, अ हायरार्की फॉर्म्स, दर्जाबंदी होती है इनके अंदर, जिसे पैकिंग ऑर्डर भी कहते हैं। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर एस्टेब्लिश्ड, तर्ज अमल के मेयारात कायम किए जाते हैं। पेयर ग्रुप प्रेशर इज एग्जर्टेड, पेयर ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप का खात्मा हो सकता है, दबाव खत्म हो सकता है, किस तरह खत्म हो सकता है,
गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, अच्छे इंडिकेटर के होना हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के, तो ये इसका प्रेशर कम हो सकता है। प्रेशर पीयर ग्रुप प्रेशर कैन बी हार्नेस टू एनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। हम ख्याल ग्रुप के दबाव का मुकाबला अच्छे सलूक की हौसला अफजाई से किया जा सकता है। ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट फैक्टर्स कुड रिजल्ट इन द डिटोरिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस। बताता हूँ कि कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर खराब हो गया और उसकी वजह से जो सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एलिमेंट नंबर 3.2 है, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसे इंप्रूव हो सकता है? मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट का वादा अहद और क्यादत, लीडरशिप का मतलब क्यादत होता है। सीनियर मैनेजमेंट सेट पॉलिसी, जो सीनियर मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाती है, दे आल्सो सेट प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स, वो तरजीहात को और टारगेट को सेट करती है। दे मस्ट इंस्पायर एंड मोटिवेट, उनकी उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। देयर लीडरशिप कैस्केड्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकी क्यादत जो है वो कंपनी के जरिए आती है। विजिबल लीडरशिप में क्या क्या आता है जी, बिहेविंग सेफली, सेफ तरीके से बिहेव करना, इन्वॉल्वमेंट, सेफ्टी मीटिंग, यानी उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपने आप को इन्वॉल्व किया होता है लीडरशिप ने, जैसे कि सेफ्टी मीटिंग अटेंड करते हैं, सेफ्टी वॉक डाउन करते हैं, टूल बॉक्स टॉक में आते हैं और इस तरह ईमेल्स वगैरह करते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, तो इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है। डूइंग सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट्स, ये बताया मैंने आपको कि सेफ्टी टूर्स करते हैं, ऑडिट करते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेशन करते हैं। प्रमोटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव सेफ्टी, चीज़ों को प्रमोट करते हैं ताकि सेफ्टी जो है वो उसको इम्प्रूव किया जाए। इन्फोर्सिंग रूल्स थ्रू यूज ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त का खुद मुजाहरा करते हैं ताकि लोग उनको फॉलो करें। इज समवन हु हैज सफिशिएंट क्या ट्रेनिंग स्किल्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जिसके अंदर तरबियत, महारत, इल्म और काबिलियत हो, तजर्बा भी हो उसके पास। एंड परहैप्स अदर एट्रीब्यूट सच एज एटीट्यूड और फिजिकल एबिलिटी टू बी एबल टू कैरी आउट देयर जॉब सेफली, और दीगर सिफतें जैसे कि उसका रवैया अच्छा होना चाहिए, जिस्मानी काबिलियत अच्छी होनी चाहिए जो कि सेफ तरीके से काम कर सकती है। ग्रुप एक्सरसाइज है, Identify a few examples of workplace communication from the following categories: verbal communication, written communication, graphic communication. What are the merits and limitation of each method? Communication की कुछ examples दी उन्होंने, categories बताई हैं, verbal जबानी कलामी आप कह सकते हैं बातचीत करना, written communication paper के जरिए लिख के करना आप, या मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं आप, ये भी रिटर्न आजकल आ गया है। ग्राफिक कम्युनिकेशन, ये आप कह सकते हैं कि खाकों के ज़रिए बातचीत करना। अब वो कहता है जी इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, पर्सनल आदमी से बातचीत होती है, आप बात कर सकते हैं, क्विक जल्दी हो जाती है, डायरेक्ट सीधी बात होती है, चेक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है, फीडबैक फौरन उसका जवाब मिल सकता है, आपको फीडबैक आ जाता है, शेयर व्यूज राय एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉडी लैंग्वेज, तासरात बंदे के हैं वो
पता लग जाती है बॉडी लैंग्वेज से। लिमिटेशन, कमियां क्या क्या है, लैंग्वेज बैरियर, हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज कोई और हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। जार्गन, ये होती है एब्रिवेशन वगैरह को यूज़ कर लिया उसने, WHO कह दिया। अब WHO से पता ही कुछ नहीं है किसी को कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो वो इस्तेमाल कर लिया। स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा उसको। बैकग्राउंड नॉइस, जो नॉइस है वो ज़्यादा है बैकग्राउंड की, उसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रही। पुअर हेयरिंग, उसको वैसे सुनते ही कम है। एम्बिग्यूटी, पजल हो जाता है बंदा, ठीक है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, बातचीत कर रहा है कुछ चीज़ भूल गया, समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा उसको। नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। पुअर क्वालिटी टेलीफोन और PA, टेलीफोन पे बात कर रहा है लेकिन उस पे उसको उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशन क्या है। बेनिफिट्स ये हैं जी, परमानेंट रिकॉर्ड इसका होता है, यानी कोई पेपर वगैरह वो अब संभाला जा सकता है अपने पास रखा, जब कोई मैसेज वगैरह आया है, ईमेल आई है, वो उसका रिकॉर्ड हो सकता है। रेफरेंस, आप रेफरेंस दे सकते हैं, ये मेरे पास पेपर आया था, या इसका ये ईमेल आई थी, या ये मैसेज आया था मेरे पास। कैन बी रिटन केयरफुली फॉर क्लैरिटी, आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली चीपली, आप लोगों तक तकसीम कर सकते हैं इजीली, सस्ते 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 दामों से। लिमिटेशन, इसमें क्या क्या है, कमियां क्या क्या है। इनडायरेक्ट, इसमें आप डायरेक्ट नहीं होते, या मैसेज होगा, या कोई पेपर वगैरह यूज होगा, या कोई चीज़ होगी, डायरेक्ट आप नहीं होंगे। टाइम, टाइम लग सकता है इसमें, ज़्यादा टाइम लग सकता है। जॉर्गन, एब्रिवेशंस बताया, जैसे कि WHO वगैरह के, वो अपने को लिख दिया, बंदे को समझ नहीं आई। इम्पर्सनल, बंदा आपसे बात नहीं कर रहा डायरेक्ट, आपको मैसेज के थ्रू ही कन्वे किया जा रहा है। एम्बिग्यूटी, इजीली पढ़ा नहीं जाता। लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। रेसिपिएंट मे नॉट बी एबल टू रीड, हो सकता है बंदे जिसको आपने भेजा है, मैसेज भेजा है, या जिसको पेपर भेजा है, या खत भेजा, लेटर भेजा, उससे पढ़ा नहीं जा रहा। नो इमीडिएट फीडबैक, फॉरन उसका फीडबैक नहीं आ सकता। कैनॉट क्वेश्चन, पेपर आ गया आपके पास, मैसेज आ गया, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते डायरेक्ट। इम्पेयर्ड विजन, नज़र नहीं आ रहा उसको सही तरीके से, ये भी हो सकता है। कम्युनिकेशन, ग्राफिक कम्युनिकेशन कौन कौन सकती है। बेनिफिट के, आई कैचिंग, इजिली आपकी आंखें कैच कर सकते, पता लग जाता है इजिली कि क्या इसमें लिखा हुआ, क्या ये समझाना चाह रहा है। विजुअल, नज़र आ जाता है, देखने में आसानी होती है, क्विक टू इंटरप्रेट, पढ़ा जाता है आसानी से, इसका मतलब तर्जमा कर लेता है। नो लैंग्वेज बैरियर, इसमें लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है। जार्गन फ्री, इसमें एब्रिविएशन वगैरह कोई नहीं है। कन्वे अ मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस, बहुत सारे लोगों को इजीली मैसेज दिया जा सकता है। लिमिटेशन क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि कमियां क्या क्या हैं। सिंपल मैसेजेस, सिंपल है ये, एक्सपेंसिव, आम बंदा नहीं बना सकता, स्पेशल लोग इसको बनाते हैं। मे नॉट बी लुक्ड एट, हो सकता है कि नज़र ना आए। सिंबल और पिक्टोग्राम मे बी अननोन, जो सिंबल आपने यूज़ किया है या पिक्टोग्राम यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है कि समझ ना आ रहा हो। फीडबैक, फीडबैक ना हो उसकी। नो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इम्पेयर्ड विजन, नज़र सही नहीं आ रहा। अच्छा जी, नोटिस बोर्ड, नशरियाती, यानी आप नशर कर सकते हैं इसको। नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे आप लगा सकते हैं नोटिस। पोस्टर एंड वीडियोस, पोस्टर लगा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं उसकी। डिजिटल मीडिया, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकडिन, इसके यूज़ कर सकते हैं। टूल बॉक्स टॉक कर सकते हैं, 5 मिनट की, 10 मिनट की। मीमोज एंड ईमेल्स, ईमेल के थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। वर्कर हैंडबुक्स, हैंडबुक बना सकते हैं वर्कर के लिए। ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज करनी है जिसपे व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सेफ्टी पोस्टर एज अ फॉर्म ऑफ प्रोपोगेंडा। आपने इसकी कमियां बतानी है
और इसके एडवांटेज सेफ्टी पोस्टर के बताने हैं, अगर आपने इसको नशर करना है तो उसके इसके आप फायदे भी बताएं और इसकी कमियां बताएं। कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसल्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग वर्कर्स? डिफरेंस क्या है कंसल्ट करना और इन्फॉर्मिंग वर्कर्स का? कंसल्टिंग क्या होती है जी? वो कहता है ये टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये टू वे एक्सचेंज, ये इंफॉर्मेशन का तबादला है, एक दूसरे की मालूमात देने का तबादला है, जो कि मालिक कंपनी का मालिक या कंपनी और वर्कर के दरमियान होगी। एक आम वर्कर लेबर में भी आ जाता है, वो टेक्नीशियन भी हो सकता है, वो वेल्डर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, वो और मालिक कंपनी का या मैनेजमेंट कंपनी की, वो आपस में कंसल्ट करती है, बातचीत करती है। इनफॉर्मिंग, इन्फॉर्मिंग क्या होती है? वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर। सिर्फ एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने या मालिक ने उसको बताना है कि भाई आपने ये करना है, बस उससे राय नहीं लेनी। अगर राय लेगा तो कंसल्टिंग हो जाएगी, अगर राय नहीं लेगा तो उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मिंग होगी। टिपिकल इश्यूज टू कंसल्ट ऑन, कौन कौन से इश्यूज? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ्टी आपको नए, क्योंकि आप जब कंसल्ट करेंगे हो सकता है कि आपको नए इफेक्ट, नए मेजर्स लगाने पड़े, आपको इंट्रोड्यूस कराने पड़े, क्योंकि वो हो सकता है कि उससे सेटिस्फाई ना हो वर्कर, वो कहे जी मुझे सर ये नहीं, मुझे मजीद बेहतरी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो वो भी मजीद उसको बेहतरी लगे। मिसाल दे रहा हूँ एक आपको कि वो जहाँ कर रहा है, क्या नाम है इसका, जॉब कर रहा है, वो पेंटिंग वाला एरिया है, उसमें फ्यूम्स उड़ते हैं हवा में, ठीक है, तो वो उसको मास्क दिया गया है, तो वो मास्क से सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है 3M के मास्क चाहिए मुझे, ठीक हो गया, या N95 का मास्क दे मुझे, मैं वो यूज़ करना है, इस आम मास्क से मेरा प्रॉब्लम बन रहा है, तो वो ये उसका इश्यू हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर, आपको एडवाइजर, न्यू एडवाइजर हायर करना पड़ सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग जो है, आपने जब कंसल्ट किया तो देखा आपने काफ़ी लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी का पता ही नहीं, तो आपने उनके लिए ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ कंसल्टेशन, मेथड क्या, ये डायरेक्ट कंसल्टेशन होती है, टॉक्स टू ईच वर्कर एंड रिजॉल्व इशू। कंपनी का मालिक या कंपनी की मैनेजमेंट एक एक बंदे से बात करती है और उनकी इशू सॉल्व करती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंसल्टेशन। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि उनका लीडर आगे आ गया या सुपरवाइजर आगे आ गया, उसने आके अब बताया सबके मसले, तो वो हल हो गए। कम्युनिटी इज फॉर्म टू रिप्रेजेंट वर्कर्स, कमेटी जो है वो बना दी गई है जो वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही है। रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस एंड रिजोल्व इशू, वीकली मीटिंग होती है या मंथली मीटिंग होती है, उसमें डिस्कस होती हैं चीज़ें, ठीक है, और उसके मसले सॉल्व हो जाते हैं। मेंबर्स मे हैव राइट इन लॉ, कानून के मुताबिक उनके राइट्स हैं। ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमेटी, क्या चीज़ कमेटी को इफेक्टिव बनाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉर इफेक्टिव कमिटीज विल डिपेंड ऑन, इफेक्टिव कमिटीज जो है वो डिपेंड किस पे करती है, ही हु इज ऑन द कमिटी, कमिटी में कौन है, हाउ ऑफन द कमिटी मीट्स, कितनी बार कमिटी मिलती है, वीकली मिलती है, मंथली मिलती है आपस में, और जा क्वार्टरली मिलती है, एक साल बाद मिलती है, कितना किस तरह मिलती है। हु विल एक्ट एज चेयरपर्सन, कौन उसको लीड कर रहा है कमेटी को, कौन उसको कमेटी को का जो है लीडर है या उसको उस बैठता है मेन बंदा। व्हाट अथॉरिटी द कमेटी विल हैव, क्या अथॉरिटी क्या कमेटी के पास, व्हाट विल बी डिस्कस, क्या डिस्कस होता है उसमें, हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कैसे होता है, क्या कोई वीडियो कॉल होती है या उसको पेपर में लिखा जाता है या किस तरह होता है। हाउ इश्यूज विल बी फॉलोड अप, और जो इशू हमने उन्होंने किए हैं, जो भी डिस्कस हुए हैं, मिसाल के तौर पे पीपीई चाहिए, हाउसकीपिंग होनी चाहिए, टीबीटी होनी चाहिए, या गैस डिटेक्टर्स चाहिए, तो वो उसको फॉलो कैसे किया जाता है।
इश्यूज डैट मे बी कंसिडर, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? स्टडी ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज स्टैटिस्टिक्स। एक्सीडेंट की स्टडी और जो डिजीज हुए हैं उसके स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया जा सकता है। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग की रिपोर्ट्स जो हैं, डेली रिपोर्ट्स जो कह लें या डिस्कस जो भी है वो डिस्कस की जा सकती है, उनको रिव्यू किया जा सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स का एग्जामिनेशन उसको देखा जा सकता है, उसको एग्जामिनेशन किया जा सकता है। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम HSC, HSC से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, उनकी रिपोर्टें देखी जा सकती हैं, डेली रिपोर्ट्स जो बनाते हैं वो हेल्थ सेफ्टी वाले कंसिडर देते हैं सेफ्टी रिपोर्ट्स में, उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी, पॉलिसी प्रोसीजर्स और पॉलिसी में डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, असिस्टेंट मिल सकती है उसमें। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को अफेक्टिव करता है ये, यानी कि उसको असरअंदाज करता है, उस पर असरअंदाज होता है। मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशन, मॉनिटर किया जा सकता है इसको, कम्युनिकेशन को सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए। ट्रेनिंग है जी, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इज प्लान्ड, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन अ रिलेटिवली सेफ एनवायरमेंट। ट्रेनिंग हैज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इलम के हसूल के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इलम के हसूल के लिए एक मनसूबाबंदी है और उस पर अमल होना चाहिए। ये स्किल जो है ये आप सेफ माहौल में ले सकते हैं। ट्रेनिंग का ड्रामाई असर पड़ता है इसके तर्ज अमल पर। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर्स ट्राई टू डू देयर जॉब्स बाय, कैसे ट्रेनिंग के बगैर वर्कर काम करते हैं, कॉपिंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करते हैं। डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट, या अपने हिसाब से काम करते हैं जो उनको बेहतर लगता है। ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू अंडरस्टैंड, किस चीज में मदद करती है, हैजर्ड्स एंड रिस्क, उसको आइडेंटिफाई करने में, समझने में मदद करती है खतरात को। रूल्स एंड प्रिकॉशंस, जो रूल बनाए गए हैं और जो उनको बचाव का तरीका है उसको समझने में मदद करते हैं। एमरजेंसी प्रोसीजर समझने में मदद करते हैं। हु टू कॉन्टैक्ट विद कंसर्न, किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, कौन इसका मतलब कि कंसर्न बंदा है उसको समझने में मदद करते हैं। लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, कमियों को समझने में मदद करते हैं और जो जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उसको समझने में भी आसानी रहती है। पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अपनी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, जिम्मेदारी क्या क्या है, इसको समझने में भी आसानी हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, क्या नतायज होंगे अगर वो HSC हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून को तोड़ेंगे, ये भी बताते हैं उसमें। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग, जो नया बंदा हायर होता है कंपनी के अंदर उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बताया जाता है कि कौन कौन सी इसमें खतरात हैं कंपनी में, क्या क्या चल रहा है कंपनी में, काम का तरीकाकार क्या है, खतरात क्या क्या है और उससे बचाव का तरीका क्या है। जॉब चेंज, न्यू हैजर्ड्स फॉलोइंग अ चेंज इन जॉब, नए खतरात आ गए तो जॉब को उसको चेंज करना पड़ा, तो ये भी इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोसेस चेंज, अगर प्रोसेस चेंज कर दिया, नया प्रोसेस शुरू किया तो नए हैजर्ड आ गया उसके अंदर, तो उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी फिर भी हैजर्ड नए उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर मशीनरी वगैरह प्लांट के साथ, तो उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कानून नया आ गया तो उस तब भी उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या होता है जी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्कस की जाती है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्कस की जाती है इसमें। एमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं क्या क्या है वो डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट एड उसको डिस्कस किया जाता है। स्पेसिफिक साइड हैजर्ड, कौन कौन से खतरे हैं और उनको कैसे बचाव का तरीका है ये डिस्कस किया जाता है।
वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, टॉयलेट फैसिलिटी है, खाने पीने की फैसिलिटी है, जो जो फैसिलिटीज़ दी गई है पानी है कि वो उसमें बताई जाती है, सेफ मूवमेंट कैसे आपने सेफ तरीके से काम करना है ये बताया जाता है, एक्सीडेंट और इंसीडेंट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है ये बताया जाता है इसके अंदर, कंसल्टेशन अरेंजमेंट किस किस से क्या क्या बातचीत करनी है और किस किस तरह अमल करना है ये बताया जाता है, सेफ्टी के रूल्स बताए जाते हैं उसके अंदर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट पहनना, अपने ग्लासेस पहनने, अपने ग्लव्स पहनने, सेफ्टी शूज़ पहनने ये बताया जाता है, सेफ वर्किंग एंड परमिट्स, जो सेफ परमिट्स अगर आपने कोई काम करना है हैजर्डस एरिया में, वेल्डिंग करनी है या वर्क एट हाइट है, कुछ भी करना है तो उसके लिए परमिट्स की इजाज़त होगी, तो उस वो किस तरह लिया जा सकता है परमिट वो बताया जाता है, रिस्क असेसमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे रिस्क असेसमेंट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, एक एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये बताया जाता है, और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स क्या क्या है, नजब जब्त के प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको चलाया जा सकता है ये बताया जाता है। एलिमेंट नंबर 3 है, 3.3, ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, जो इंसानी अवामल या ह्यूमन फैक्टर जो असरअंदाज हो सकते हैं सेफ्टी बिहेवियर पर, कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, द जॉब, तीन चीजें असरअंदाज हो सकती हैं बिहेवियर पे, कंपनी, बंदा खुद या कोई और, खुद भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है, और जॉब, ये तीनों चीजें असरअंदाज हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल या कंपनी के फैक्टर्स कौन कौन है, कंपनी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सेफ्टी कल्चर, सेफ्टी का कल्चर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कमिटमेंट एंड लीडरशिप, कमिटमेंट करता है बंदा उनका लीडरशिप या नहीं करती, वादे करती है या नहीं करती, पूरा करती है या नहीं करती, ये भी है, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, पीपीएस अवेलेबल है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है ये भी देखना पड़ता है, वर्क काम करने का तरीका कैसे है ये भी देखा जाना पड़ता है, कम्युनिकेशन, बातचीत का तरीका क्या वे इस्तेमाल हो सकता है ये भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेवल्स ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का लेवल कैसा है ये भी, पेयर ग्रुप प्रेशर, हम ख्याल जो लोग हैं उनका प्रेशर कितना होता है इसके ऊपर, कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, कितनी कंसल्टेशन होती है वर्कर के साथ और वर्कर कितने इन्वॉल्वमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ट्रेनिंग क्या क्या है उनकी ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आगे चलते हैं ये जॉब फैक्टर, जॉब फैक्टर में क्या क्या आएगा, टास्क, काम क्या है, वर्कलोड, काम का जोर कितना है, ज़्यादा काम है, कम काम है, थोड़ा है, ज़्यादा, कितना काम है, इन्वायरमेंट, माहौल कैसा है, काम करने वाला माहौल है या नहीं, गर्मी तो नहीं लग रही, सर्दी तो नहीं लग रही, कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स, नज़र क्या आ रहा है आपको और कंट्रोल क्या क्या है इसके, प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं कंपनी के अंदर, इंडिविजुअल फैक्टर में क्या क्या आएगा, कॉम्पिटेंस, इसमें नॉलेज आ जाएगा, एबिलिटी आ जाएगी, इसमें नॉलेज आ जाएगा, एबिलिटी आ जाएगी, ट्रेनिंग आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, काबिलियत, इलम, तरबियत और काम करने का तजर्बा ये आ जाएगा, स्किल्स की काबिलियत ही होगी, पर्सनैलिटी बंदे का अपना जो है उनका सिस्टम वगैरह उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो एटीट्यूड उसका रवैया कैसा है, मोटिवेशन, द थिंग डैट इज कमिंग अ पर्सन टू डू व्हाट दे डू, उसको मोटिवेशन कैसी मिलती है, रिवार्ड्स, इंसेंटिव, अनामत देते हैं उसको, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एटीट्यूड क्या चीज़ है, एटीट्यूड अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट, ये एक शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू है या उसका आप कह सकते राय है कि वो कैसे देखता है
ठीक है, और कैसे सोचता है और कैसे महसूस करता है वो। ये चेंज भी हो सकता है कैसे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन यानी आला असर मुदाखला की वजह से, इन्फोर्समेंट, कोई उस पर आप कानून नाफज कर दें, कंसल्टेशन, बातचीत से, इन्वॉल्वमेंट, उसको इन्वॉल्व करें हर चीज़ में, एटीट्यूड उसका रवैया चेंज हो सकता है। रिस्क परसेप्शन क्या चीज है? रिस्क परसेप्शन ये है कि द वे अ पर्सन्स ब्रेन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन सेंट टू इट बाय देयर सेंसेस। जिस तरह से किसी का दिमाग अपने सेंसेस के जरिए भेजी गई मालूमात की तर्जमानी करता है, यानी कि उसका दिमाग जो है वो सोच रहा है कुछ, तो वो उसको तर्जमानी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ख्याल इसे कह सकते हैं। अब ख्याल का क्या रिस्क हो सकता है? साइट, वो देखता है, हेयरिंग, सुनता है, स्मेल, स्मेल करता है, टेस्ट, जबान से चखता है, टचिंग, हाथ से छूता है। एक्सरसाइज है, यू विल बी शोन द फॉलोइंग स्लाइड बाय 20 सेकेंड्स, यू आर आस्क्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एफ्स। 20 सेकेंड है आपके पास, आपने एफ काउंट करने हैं, तो चलिए मिलके करते हैं। फिनिश्ड फाइल्स आर द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी कंबाइंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ईयर्स। मेरे मुताबिक तो 6 बनते हैं, 6 हैं, 6-7 हैं, आप बताइएगा कमेंट्स में ये कितने होंगे। रिस्क परसेप्शंस, रिस्क परसेप्शंस क्या होते हैं जी? परसेप्शन बताया था मैंने आपको कि ख्याल है, इसके क्या रिस्क है। फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट अ पर्सन परसेप्शन ऑफ हैजर्ड्स ऑफ रिस्क इंक्लूड। कौन कौन से रिस्क इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं? इलनेस, बंदा बीमार हो सकता है, स्ट्रेस, उसको दबाव हो सकता है, फटीक, थकावट, ड्रग एंड अल्कोहल, वो ड्रग और अल्कोहल का को यूज करना शुरू कर देता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस उसका ठीक नहीं है वो, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशन की वजह से उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। यूज ऑफ पीपी, पीपी जो है वो यूज करता है, वो उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। रिस्क परसेप्शन, वर्क प्लेस कंडीशन, वर्क प्लेस कंडीशन ठीक नहीं है, हाई नॉइजी लेवल है उसका, यानी नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। एलिमेंट नंबर 3.4, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है? समथिंग, पहले तो दो चीज़ें रिस्क असेसमेंट से पहले पता होना चाहिए, हैजर्ड और रिस्क। हैजर्ड क्या है? समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी चीज ऐसी जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है आपको नुकसान पहुंचाने का, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, एर्गोनॉमिक्स हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल का मतलब ये आपको मैं केमिकल कीमियाई होता है, बायोलॉजिकल का भी पता, बायोलॉजिकल का मतलब हयातियाती होता है, एर्गोनॉमिक्स बैठने का तरीका होता है जिसमें बैक पेन वगैरह हो सकती है, साइकोलॉजिकल दिमागी तौर पर प्रॉब्लम कह सकते हैं, खतरा हो सकता है। रिस्क द लाइकलीहुड ऑफ हार्म ऑकरिंग इन कंबिनेशन विद द सेवेरिटी ऑफ फोर्सेबल हार्म। रिस्क द लाइकलीहुड ऑफ हार्म ऑकरिंग इन कंबिनेशन विद द सेवेरिटी ऑफ फोर्सेबल हार्म। ये नुकसान का अमकान है और पेश आने वाले नुकसान की शिद्दत के साथ मिलकर होने वाले नुकसान का, यानी कि एक ऐसा नुकसान है जो कि जिसे चांस है और उसके साथ साथ उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है, उसकी शिद्दत भी हो सकती है, उसको रिस्क कह सकते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज है, कंसीडर अ स्पेसिफिक हैजर्ड एंड डिस्कस इन ग्रुप्स द डिफरेंस बिटवीन द हैजर्डस प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिविटी, आर्टिकल और सब्सटेंसेस एंड द रिस्क ऑफ हार्म अकरिंग। आपने
बताना है जी कि हैजर्ड कौन कौन से हैं खतरे। ठीक है, हैजर्डस प्रॉपर्टीज में, सॉरी, कंसीडर आ स्पेसिफिक हैजर्ड एंड डिस्कस इन द ग्रुप। आपने हैजर्ड बताने हैं और ये बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द, किस किस में डिफरेंस, हैजर्डस प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिविटी, आर्टिकल और सब्सटेंसेस एंड द रिस्क ऑफ हार्म अकरिंग। हैजर्डस प्रॉपर्टीज की क्या क्या इसकी, सॉरी, एक्टिविटीज की क्या क्या हैजर्डस प्रॉपर्टीज हैं और होने वाले नुकसान का खतरा क्या है। रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रेंज ऑफ रिस्क दैट थ्रेटनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द देयर लाइकलीहुड एंड प्रोबेबली इम्पैक्ट्स। द करंट रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल द कंट्रोल्स इन प्लेस एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इसमें बहुत सारे रिस्क बताए गए हैं कि आपने असेस भी किए हैं, कंट्रोल भी लगाए हैं और रिस्क कम भी हुआ है। उस रिस्क जो कम हुआ है उसको मजीद कम करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या होती है? रिस्क असेसमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, दोबारा फिर नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई आपसे पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं लोग, रिस्क असेसमेंट क्या होती है। टू क्वांटिफाई द रिस्क एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। आसान है ये। द फॉर्मल प्रोसेस एक रस्मी अमल है ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय एवेल्यूटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम हैजर्ड्स। जो रिस्क हैजर्ड्स से निकला हुआ है उसको एवेल्यूट करना है, फिर उसको आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, टेकन इनटू द अकाउंट द एडिक्वेसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल। फिर आपने उसके ऊपर एग्जिस्टिंग कंट्रोल, जो जो आपके पास कंट्रोल्स हैं वो आपने उस पर लगाने हैं, यानी प्रिकॉशंस लगाने हैं, यानी अकदामी आपने बचाव करना है। एंड डिसाइडिंग वेदर और नॉट द रिस्क इज एक्सेप्टेबल, और फिर आपने डिसाइड करना है कि ये रिस्क जो है एक्सेप्टेबल है या मज़ीद उसको गुंजाइश है उसको ठीक करने की। ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ऑन रिस्क प्रोफाइल। हर कंपनी का अपना सिस्टम होता है, अपनी रिस्क प्रोफाइल होती है। और रिस्क प्रोफाइल एग्जामिन क्या क्या एग्जामिन करता है, द नेचर एंड द लेवल ऑफ थ्रेट फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को दरपेश खतरात की नोयत, द लाइकलीहुड ऑफ दोज एडवर्स इफेक्ट्स ऑकरिंग, इनके मनफरी असरात पाए जाने का अमकान, द लेवल ऑफ डिसीशन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रिस्क। जो खलल का लेवल है उसका और रिस्क से वाबस्ता अखराजात क्या होंगे। द अफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क, जो आपने कंट्रोल लगाए हैं उनका कितना, वो कितने मौसर हैं, ठीक है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए। द आउटकम ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग विल बी डैट द राइट रिस्क एंड प्रायोरिटाइज्ड फॉर एक्शन, द राइट कंट्रोल मेजर हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड माइनर रिस्क हैव नॉट बीन गिवन अ डिसप्रोपोर्शनेट प्रायोरिटी, डिसप्रोपोर्शनेट गिवन अ डिसप्रोपोर्शनेट प्रायोरिटी। इसका नतीजा क्या होगा जी, सही खतरात की निशानदेही की गई है और कार्रवाई के लिए तरजीह दी गई है, और जो माइनर रिस्क है उसको आपने प्रायोरिटी नहीं देनी, उसको आपने अहमियत नहीं देनी। द रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस क्या क्या है जी, इसमें आइडेंटिफाई द रिस्क दैट थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई द रिस्क दैट थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जो कंपनी को,
थ्रेट करती है या खतरा कंपनी के लिए। आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स एंड द बिजनेस इम्पैक्ट एसोसिएट विद ईच थ्रेट। ये भी बताना कि हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या असरअंदाज होगा बिजनेस पे और उन पे भी क्या असर होगा जो कि थ्रेट हैं। आइडेंटिफाई हाउ वेल ईच थ्रेट इज कंट्रोल। ये भी बताना है कि जो जो थ्रेट हैं उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको उसके प्रिकॉशन क्या क्या लिए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द लाइकलीहुड ऑफ ईच थ्रेट हैपनिंग। क्या क्या चांस है, क्या हो सकता है उन खतरात की वजह से। प्रायोरिटीज द थ्रेट्स, उसकी तरजीहात क्या हैं खतरे की। पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट, क्या इसका पर्पस क्या, मकसद क्या है। टू प्रिवेंट, बचाता है डेथ एंड पर्सनल इंजरी, मौत से और पर्सनल इंजरी से। अदर टाइप ऑफ लॉस इंसिडेंट्स, दूसरी टाइप के इंसिडेंट से, हादसा से। ब्रीचेस ऑफ स्टैच्यूला, कानून को तोड़ने से बचाता है। द कॉस्ट ऑफ लॉस, जो आप का लॉस होगा उसकी एक कीमत होगी, उससे बचाता है ये। अ सुइटेबल एंड सफिशिएंट असेसमेंट, काफी और मुनासिब असेसमेंट क्या होगी जी। आइडेंटिफाई रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, अहम खतरात की निशानदाही करें। एनेबल एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटीज, इनेबल एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज कंट्रोल मेजर्स। कंपनी को काबू पाने और आइडेंटिफाई करने के काबिल बनाएं। अप्रोप्राइट टू नेचर ऑफ द वर्क, काम की नेचर के लिए मौजूद। वैलिड फॉर रीजनेबल टाइम, और ये वैलिड होना चाहिए टाइम के मुताबिक, काफी टाइम होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज है। सोर्सेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेस अंदर इंटरनल भी हो सकते हैं कंपनी के और बाहर से भी हो सकते हैं। लिस्ट ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज यू कैन थिंक ऑफ एंड डिस्कस देम। सब की लिस्ट बनाएं और अब सोचेंगे कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं। द फाइव स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट, फाइव स्टेप्स कौन कौन से हैं रिस्क असेसमेंट के। स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, खतरों को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कौन कौन से खतरे हैं। स्टेप टू में आएगा आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। कौन कौन से वर्कर्स, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे। स्टेप थ्री है एवेल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। खतरे का अंदाजा लगाना है और ये भी डिसाइड करना है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस, कंट्रोल मेजर या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्टेप नंबर फोर, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट्स। रिकॉर्ड रखना है अहम फाइंडिंग्स का और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, यानी उनके ऊपर अमल करना है। स्टेप नंबर फाइव है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। जायजा लेना है इसका और उसको अपडेट करना है ज़रूरत के मुताबिक। तो पांच स्टेप्स हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ये बहुत अहम है रिस्क असेसमेंट में। फाइव स्टेप्स कि आपने खतरे को ढूंढना है, देखना है, आइडेंटिफाई करना है और लोगों को देखना है कि कौन इससे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे पहुंचेगा। फिर हमने उसको उसका अंदाज़ा लगाना है रिस्क का कि ये इसको कैसे, मतलब इसका हम लोग इसके एहतियाती तदाबीर इस पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हमने अहम फाइंडिंग्स है उसको नोट करना है, रिकॉर्ड रखना है उसका, और उसके ऊपर हमने अमल करना है। जो जो हमने प्रिकॉशन इस्तेमाल करने हैं वो हमने उस पर अमल करना है। और लास्ट पे है कि हमने रिव्यू करना है
और अगर हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम उसको अपडेट भी कर देंगे। आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, खतरे को देखना, ढूंढना, तलाश करना। सेफ्टी, कैपेबल ऑफ यूजुअली फिजिकल इंजरी, जो कि फिजिकली इंजरी जिससे हो सकती है वो कौन कौन से हैं। वर्क एट हाइट, अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, ये एक हैजर्ड है ऊंचाई पे काम करना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर से नीचे कुछ चीज़ गिर सकती है, हैमर गिर सकता है, कोई टूल गिर सकता है, वो सर पे लग सकता है। मूविंग व्हीकल्स, गाड़ियाँ, कार, ट्रक, ट्रॉलर्स, ये इसमें आ सकते हैं। मशीनरी, जितनी भी मशीन्स हैं, वेविंग मशीन है या दूसरी आप स्पिनिंग मशीन्स हैं, और भी बहुत मशीनें हैं, वो इसमें आ सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी। केमिकल्स आएंगे, केमिकल्स में पेंट आपका आ सकता है, सीमेंट आ सकता है, और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री पे काम कर रहे हैं, या किसी बॉयलर में काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन कम है। डीप वाटर, पानी के अंदर गहराई में काम करना। फायर एक्सप्लोजन, या ऐसी जगह जो जहाँ फायर लगी हुई है, आप एज अ फायर फाइटर काम कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए खतरा है। एनिमल्स, अगर आप डेजर्ट्स में काम कर रहे हैं तो स्कॉर्पियन, स्नेक वगैरह, और आम जगह पे डॉग होते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। वायलेंस, शोर शराबा, या जहाँ लड़ाई झगड़ा आप कह सकते हैं कि हो, वायलेंस में जहाँ लड़ाई झगड़ा का ख़तरा हो, वो भी फिजिकली उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ इशू कौन से होते हैं? कैपेबल ऑफ कॉजिंग ऑक्यूपेशन डिजीज और इल हेल्थ, जो आपको बीमार कर सकते हैं, आपकी सेहत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से? फिजिकली है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, इर्गोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल है। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, पहले पीछे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से सोर्सेज है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो अब बताते हैं आपको इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल कौन कौन से हैं। इंटरनल सोर्सेज जो कि कंपनी के अंदर के होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होंगे, उसको आप सोर्सेज कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, जो आपने प्रीवियसली एक साल का रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ एक्सीडेंट का, वो इंफॉर्मेशन सोर्स है आपका। इल हेल्थ एब्सेंस रिपोर्ट, ये आपने डाटा इकट्ठा किया, ये भी आपका रिकॉर्ड है और ये सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं इसमें। मेंटेनेंस रिपोर्ट्स हैं, मेंटेनेंस किसकी? व्हीकल्स की होगी, हो सकती है मशीनरी की, हो सकती है टूल्स की, हो सकती है इक्विपमेंट्स की, हो सकती है, वो आपके पास मेंटेनेंस रिपोर्ट पड़ी होगी। सेफ्टी इंस्पेक्शन, जो डेली आप सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स आपके पास होंगी। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ऑडिट जो रिपोर्ट जो वीकली, सॉरी ऑडिट वीकली कर रहे हैं आप, या मंथली हो, वीक या क्वार्टरली हो, उसकी रिपोर्ट इंटरनल जो ऑडिट है। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भी आपके पास है, ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेफ्टी कमेटी मिनट्स, जो भी आपकी मीटिंग होती है सेफ्टी से रिलेटेड, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को हम कह सकते हैं सेफ्टी कमेटी मिनट्स, सेफ्टी कमेटी मिनट्स। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन कौन से? नेशनल लेजिस्लेशन, कानून साजी हो गई है कौमी सतह पे। अप्रूव्ड कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए जो कोड बताए गए हैं उसको आप कह सकते हैं। स्टैंडर्ड्स, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, BSC का, ब्रिटिश सेफ्टी इंटरनेशनल का, ये इनके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उस पर आप उसको देख सकते हैं, वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। मैनुफैक्चरर इंफॉर्मेशन, कोई भी आप चीज़ परचेज करते हैं उसके साथ वो मैनुफैक्चरर इंफॉर्मेशन भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पेंट ही ले लिया है, ठीक है, डिलेक्स का ले लिया, या आपने किसी और कंपनी का ले, मास्टर पेंट ले लिया, उसके साथ उन्होंने एक बुक भी दी होती है आपको, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसको हम बोलते हैं मैनुफैक्चरर इंफॉर्मेशन। ट्रेड एसोसिएशन, ताजरों की अंजुमन होती है, कई ताजरों ने बनाई होती है अंजुमन, ठीक है, वो जो कभी सोच सुना होगा आपने,
वो हड़ताल कर दी, सब ताजरों ने इकट्ठी मिलकर हड़ताल कर दी, वो पूरी मार्केट ही बंद हो जाती है। तो ट्रेड एसोसिएशन से होती हैं इसकी, ठीक है, वो भी कोई ना कोई पास कर देते हैं बिल वगैरह सेफ्टी से रिलेटेड। सेफ्टी पब्लिकेशन, सेफ्टी से मतलब इंटरनेशनल फॉरम पे पब्लिकेशन होती है, बताया जाता है कि जैसे कोरोना आया तो उन्होंने बताया कि मास्क पहनना है, आप लोगों ने इतना फासला रखना है, तो ये सेफ्टी पब्लिकेशन में आ जाता है। इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आयोश इंटरनेशनल बॉडी है, ओशा इंटरनेशनल बॉडी है, और बहुत ज़्यादा ऐसी हैं इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे ASSP है, CSSE है, ट्रेड यूनियंस, चैरिटीज, ETC, ये भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स में आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे जी है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड। हैज़र्ड को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके स्टेप्स हैं वो देखेंगे हम लोग आगे, लेकिन पहले हम मेथड को देख लें, कैसा क्या मेथड क्या है इनका। टास्क एनालिसिस, जो भी टास्क होगा, काम होगा, उसको एनालिसिस करना है। वेल्डिंग भी हो सकती है, ग्राइंडिंग भी हो सकती है, स्कैफोल्डिंग भी हो सकती है, और हाउसकीपिंग भी हो सकती है, कुछ भी उस टास्क हो सकता है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना है, उसको देखना है। अब एनालिसिस कौन करता है, कॉम्पिटेंट बंदा करेगा ये, ठीक हो गया। अब आगे कहता है जी, एनालिसिस जॉब कंपोनेंट्स बिफोर द जॉब स्टार्ट, आपने जॉब शुरू होने से पहले उसको एनालिसिस कर लेना कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेजिस्लेशन, कानून साजी, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, आपने स्टैंडर्ड देखने हैं और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो आपको रहनुमाई दें। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक के साथ केमिकल हो, चाहे इवन कि आपको मोबाइल भी परचेस करते हैं, उसके साथ भी एक बुकलेट दी होती है जिसे वो मैनुअल बोलते हैं, तो वो उसकी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पूरी लिखी होती है इसके बारे में कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है और उससे बचा कैसे जा सकता है। इंसिडेंट डाटा, जिसमें एक्सीडेंट्स हैं, नियर मिसेज है, इल हेल्थ है, ये रिकॉर्ड, इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब इसमें टास्क एनालिसिस में होता क्या है, इसमें एक फार्मूला है, उसको कहते हैं सीरीडम, सीरीडम यूज़ होता है, जिसमें पहले सेलेक्ट द टास्क, टास्क को सेलेक्ट किया जाता है, मैंने बता दिया आपको वेल्डिंग हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकती है, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, लिफ्टिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, एक्सकवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने। रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ टास्क, हमने टास्क की जो भी टास्क है उसकी हमने स्टेजेस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एवेल्यूएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेज, हम लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कौन कौन से उसके साथ रिस्क जो है वो जुड़े हुए हैं उस काम के साथ। मिसाल दे रहा हूं, वेल्डिंग लगा लें आप, उसके साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं, ये हमने डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, हमने फिर सेफ वर्किंग मेथड उसका बनाना है, ठीक है, उसके वो क्या सिस्टम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है, लेकिन सेफ वर्किंग मेथड बनाना पड़ेगा उसके लिए। इम्प्लीमेंट करना है फिर उसी को, सेफ वर्किंग मेथड को, फिर मॉनिटर भी करना है, यानी उसको जायज़ा लेते रहना है, उसको निगरानी करते रहनी है कि ये इफेक्टिवनेस है इसमें कि नहीं है। आगे चलें, स्टेप टू में आ गया, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, कौन से लोग इस रिस्क पे हैं, वर्कर्स, ऑपरेटर्स, वर्कर्स भी हो सकते हैं और ऑपरेटर भी हो सकते हैं। वर्कर्स में कौन कौन हो सकते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ जो मेंटेनेंस करता है वो, क्लीनर्स सफाई करने वाले, कॉन्ट्रैक्टर्स, आप कंपनी है, आपने आगे कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, ठीक है, वो विजिटर्स जो आपको मिलने के लिए आए हुए हैं साइट पे, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, वो रिस्क भी हो सकते हैं। मेंबर ऑफ पीपल, मेंबर्स ऑफ पब्लिक, इवन ट्रेसपासर्स, आप ये कह सकते हैं कि आपके पब्लिक लोग, आने जाने वाले, गुजरने वाले लोग भी हो सकते हैं, या नेबर्स में कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया।
एबल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, कमजोर ग्रुप का ग्रुप्स कह सकते हैं और कोई एक आदमी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये कमजोर लोगों का ग्रुप होता है या कोई अकेला आदमी भी हो सकता है। इसमें क्या कौन कौन काउंट होते हैं? यंग पीपल जिनकी एज लेस देन 18 होती है, न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर, माँ जो के जिनको उम्मीद हो माँ बनने की वो हो सकती है, या जो अभी नई नई माँ बनी है तो वो भी उसमें इस ग्रुप में आ जाती है। डिसेबल्ड वर्कर्स जो मजदूर हैं, लोन वर्कर्स वो लोग जो अकेले काम करते हैं, जिनके साथ कोई रहनुमाई नहीं होती, सुपरविजन नहीं होती, वो अकेला काम कर रहा होता है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं, इसमें कोई नर्स भी हो सकती है, इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है एवेल्यूएटिंग द रिस्क एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशन। हमने अंदाजा लगाना है रिस्क का कि वो रिस्क कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, और फिर हमने उसको बताना है कि एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशन, यानी उसके ऊपर एहतियाती तदाबीर का फैसला करना है कि कौन सा एहतियाती तदाबीर उसके ऊपर लगाया जा सकता है। इज द लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल और डज इट नीड टू बी रिड्यूस? क्या लेवल जो रिस्क का लेवल है वो एक्सेप्टेबल है और क्या हम इसको मजीद कम करने की जरूरत है? फिर एक रिस्क है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी लगा दिया है कंट्रोल में, ये लगा दिया है। कोरोना की मिसाल लगा लें कि आपने मास्क पहन लिया है 3M का या 95 का पहन लिया है मास्क, N95 का मास्क पहन लिया है, तो क्या अब मजीद इसको जरूरत है इसके ऊपर कंट्रोल में ये लगाने की? ये बता रहा हूं चाह रहा हूं। अब कहता क्या है, रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इन टू सवेरिटी। रिस्क क्या है? खतरा। लाइकलीहुड चांस है खतरे का, मल्टीप्लाई बाय सवेरिटी शिद्दत, उसकी कॉन्सिक्वेंस जो उसका उसका जो असरात होंगे शिद्दत होगी उसकी। यानी एक बंदा ऊपर चढ़ता है, वर्क एट हाइट करता है, ऊपर जाने के लिए काम करता है, तो ऊपर से नीचे गिरता है, चांस है गिरने का, मल्टीप्लाई बाय उसकी शिद्दत क्या होगी, क्या फैटेलिटी हो जाएगी, क्या वो इंजरी हो जाएगी, फ्रैक्चर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क उसको कहेंगे हम। अब उसने एक लाइकलीहुड का टेबल बना दिया, लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी। 1 नंबर पे बताया उसने एक्सट्रीमली अनलाइकली, मतलब हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, अनलाइकली नहीं हो सकता, पॉसिबल 3 नंबर, हो सकता है 4, लाइकली होगा 5, वेरी प्रॉबली हो जाएगा, मतलब उसको श्योरिटी 100% है कि हो जाएगा। सेवेरिटी क्या है, जो उसकी शिद्दत क्या है, वेरी माइनर इंजरी, 1 नंबर दे दिया उसको कि बहुत कम इंजरी है उसकी। दूसरे नंबर दे दिया उसने फर्स्ट एड इंजरी, यानी फर्स्ट एड की उसको इंजरी की जरूरत पड़ेगी। तीसरी जो नंबर पे है वो लॉस्ट टाइम इंजरी, यानी कि वो उस ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा वो इंजर्ड हो जाएगा। 4 नंबर पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, यानी उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और 5 नंबर पे डिसेबलिंग इंजरी, यानी कि उसको वो डिसेबल हो जाएगा, वो उस मतलब कि काम के काबिल नहीं रहेगा, ठीक हो गया। ये एक टेबल इन्होंने रिस्क का बनाया हुआ। स्टेप नंबर 3 है एवेल्यूएटिंग द रिस्क एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशंस लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी। ये आपके सामने एक टेबल बना दी है, ठीक है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 हॉरिजेंटल और वर्टिकल टेबल बनाया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 3, 3। इसी तरह इन्होंने एक टेबल बना दी है 1, 2, 3 का, उनको मल्टीप्लाई करने से आता है। हम आगे देखेंगे इसको किस तरह वो करते हैं। अच्छा, अब कहता है जी जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ये लिस्ट होती है एक कंट्रोल मेजर्स की, ठीक है, जो कि हम लोग लगाते हैं। अगर एक कंट्रोल काम नहीं करता तो दूसरा करना शुरू करता है, अगर दूसरा नहीं करता तो तीसरे पे आ जाता है, तीसरा नहीं करता तो चौथे पे आ जाता है। इस तरह हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल मेजर्स जो है लिस्ट है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। पहले नंबर पे है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या चीज है? उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे, उसको रिमूव भी कर दे वहां से, ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूट,
उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी अगर एक चीज़ डैमेज है, वो काम के काबिल नहीं है, तो उसको उसकी जगह पे दूसरी ले आए, उससे बेहतर ले आए चीज़। इंजीनियरिंग कंट्रोल है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या क्या आ सकता है, यानी कि अगर आप सेफ्टी गार्ड्स लगा सकते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि घरों में पैनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, उसके अंदर वो ब्रेकर लगे होते हैं, तो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग कंट्रोल है, ठीक है। और इसके अलावा भी, और आप कैसे आइसोलेशन वगैरह, इसको आप इंजीनियरिंग कंट्रोल में ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से इंतज़ामिया लगाती है कंट्रोल, उस पर ट्रेनिंग हो सकती है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, रिस्क असेसमेंट वगैरह, या ये चीज़ें। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबसे लास्ट पे पीपीई आता है। अब उसका बताया गया है, एग्जाम्पल दी गई है, एलिमिनेशन तो मैंने बता दिया आपको, उसको मूवी कर दें मुकम्मल तौर पर, या सब्स्टिट्यूट जो है उसको रिड्यूस कर दें, कम कम जो है वो रिस्क की चीज़ है उसको उसकी जगह पे ले आए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यानी उसकी कम रिस्क की चीज़ उसकी जगह पे ले आए। आगे कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या क्या होते हैं, आइसोलेशन कर दिया, उसको अलग कर दिया, सेपरेशन कर दी, ठीक है, पार्शियल इंक्लोजर कर दिया, या सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस में बता दिया मैंने आपको पहले, सेफ्टी गार्ड्स लगा दिए मशीन पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कर दिया, रिड्यूस एक्सपोजर को कम कर दिया, पीछे से रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, टाइम कम कर दिया एक्सपोजर का, डोज कम कर दी, इंफॉर्मेशन दी है, इंस्ट्रक्शन दे दी है, ट्रेनिंग दे दी है, सुपरविजन दे दी है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग के बारे में। और लास्ट पे पीपीई है, ये सेफ्टी साइन है जी, आप देख सकते हैं। प्रोहिबिशन है, वार्निंग है, मैंडेटरी है, सेफ कंडीशन है, फायर इक्विपमेंट्स है। ये पिक्टोग्राम्स जो भी हैं, इसको आपने गौर से देखना है, रेड एंड ब्लैक में प्रोहिबिशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, मना है ये। वार्निंग आपको बता देगा, इलेक्ट्रिकल करंट है या कोई ऐसी चीज़ बता देगा, आपको वार्न कर देगा, अंदर नहीं जाना या इस जगह पे नहीं जाना, आपने एक्सरे वगैरह चल रहा है या कुछ भी हो सकता है, तो वार्निंग आपको वार्न कर दिया। मैंडेटरी, आपने ग्लासेस पहने, शूज़ पहने, हेलमेट पहना, ये बता देगा लाजमी पहनना है, इसका ब्लू कलर और वाइट कलर का होगा, ठीक है। ग्रीन और वाइट में सेफ कंडीशन है, यानी कि आप इस जगह से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, ये सेफ है जगह। फायर इक्विपमेंट्स यानी रेड एंड वाइट है, आग के इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेगुलेशन 1992 एज अमेंडेड, क्या जी, सप्लाई सूटेबल पीपीई, सूटेबल सी पीपीई आपने सप्लाई करने, बताने दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट फॉर रिस्क, जो रिस्क के लिए मौजू हो, उसके लिए फायदेमंद हो, यानी रिस्क को कम करने के लिए फायदेमंद हो। एर्गोनॉमिक, जो कि यानी आपको पूरे आ जाए, डज नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, रिस्क को मजीद ना बढ़ा दें, ठीक है। कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसका होना चाहिए वो पीपीई। इंश्योर कंपेटिबिलिटी ऑफ आइटम्स, ग्लासेस लगाए हैं आपने, ठीक है, तो वो मास्क भी पूरा आना चाहिए। अगर मास्क लगाया हुआ है आपने, या ग्लासेस लगाए हैं, तो आपने ईयरफोन पहना हो, तो वो भी आना चाहिए, और हेलमेट, यानी वो एक दूसरे के साथ वो उनका प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, हो गया। पीपीई का सूटेबल स्टोरेज, स्टोर आपने सूटेबल तरीके से करना है उसको। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन देनी है उसकी, बताना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, फिर ट्रेनिंग देनी है आपने। इनफोर्स यूज ऑफ पीपीई, आपने बता लाजमी उनको मैंडेटरी करना है कि आपने पीपीई पहनना है, ठीक है। रिप्लेस और रिपेयर डैमेज और लॉस आइटम, रिप्लेस कर दें या उसको रिपेयर करें पीपीई को, जो कि डैमेज हो चुका है। देयर इज ग्रुप एक्सरसाइज, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पीपीई एज अ रिस्क कंट्रोल मेथड। बेनिफिट्स बताने हैं इसके और लिमिटेशन बताने, यानी फायदे बताने हैं और कमियां बतानी है कि पीपीई के क्या फायदे हैं और क्या कमियां हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके मेरिट्स और लिमिटेशन। मेरिट्स में क्या, कैन बी यूज एज एन इंटरिम कंट्रोल वाइल इट्स मोर एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट कंट्रोल आर पुट इन प्लेस। आप फिर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी कोई एक्सपेंसिव
कंट्रोल में ये ऑलरेडी लगाए हुए हैं, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट ओनली प्रोटेक्ट्स 1% ऑफ एरियर, और इसकी कमी ये है कि ये सिर्फ एक बंदा ही पहन सकता है, दूसरा बंदा उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसका मेरिट देखते हैं, इसका एडवांटेज देखते हैं। दूसरा, इन सम सिचुएशन इट मेन बी द ओनली कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां सिर्फ आपको पीपीई ही पहन के सकते हैं, यानी अगर H2S गैस है वहां बहुत ज़्यादा, या ऑक्सीजन की कमी है, या ऑक्सीजन की ज़्यादती है यानी एक्सेसिव ऑक्सीजन है, तो तब आप सिर्फ पीपीई ही पहन सकते हैं, और कोई कंट्रोल में ये वहाँ काम नहीं आ सकता। इट मे नॉट प्रोटेक्ट एडिक्युटली इफ़ इट इज़ नॉट फिटेड करेक्टली। अगर वो आपने प्रॉपर तरीके से फिट नहीं किया हुआ ना, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। इट मे बी नीडेड एज अ बैकअप ऑफ आवर एमरजेंसी व्हेन अदर कंट्रोल्स हैव फेल्ड। अगर अदर कंट्रोल मेजर्स फेल हो चुके हैं, वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो चुका है, आइसोलेशन फिल्टर सिस्टम फेल हो चुका है, आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल फेल हो चुकी है, एलिमिनेशन भी फेल, सब्स्टिट्यूशन भी फेल, हर चीज़ फेल हो चुकी है, तो फिर आपका बैकअप ये पीपीई करता है। और इसकी लिमिटेशन क्या है जी, यानी इसमें कमी क्या है, इट मे नॉट बी कंफर्टेबल एंड मे इंटरफेयर विद द वेरियस एबिलिटी टू डू द जॉब। हो सकता है ये कंफर्टेबल ना हो जिसने पहना हो, और ये उसको उसके काम में इंटरफेयर कर रहा हो, यानी उसके काम वो अपना 100% नहीं दे रहा काम में इसके पहनने की वजह से। इट इज़ यूजली चीप, ये इसकी जो बेनिफिट ये है कि ये सस्ता होता है अमूमन अदर कंट्रोल मेजर्स के मुताबिक मुकाबले में। और लिमिटेशन इसके अंदर ये है, इट मे इंक्रीज ओवर आर रिस्क बाय इम्पेयरिंग द सेंसेस। और ये अगर ओवर आर रिस्क इसके अंदर हो तो ये उसका इंक्रीज कर सकता है। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, ये फौरन प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसके अंदर कमी क्या है, इट मे नॉट बी कंपेटेबल विद अदर आइटम्स डैट हैव टू बी वॉर्न और यूज। मिसाल के तौर पर आपने ग्लासेस पहनी हुई तो हेलमेट नहीं पहना जा सकता, बाज़ औक़ात अगर हेलमेट पहने हुए तो आप ईयर प्लग पहने हैं वो नहीं पहने जा रहे किसी वजह से, मतलब हेलमेट की वजह से, तो ये कंपेटेबल भी आपने देखना है, तो ये इसके अंदर कमी है। पीपल डू नॉट लाइक वेयरिंग पीपी, कुछ लोग तो पहनना चाहते नहीं है, पसंद नहीं करते, ना हेलमेट पहनना पसंद करते हैं ना ग्लासेस, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। इफ़ इट फेल्स, इट फेल्स टू डेंजर, द वर्कर इज एक्सपोज टू रिस्क। अगर ये फेल हो गया, खतरे में फेल हो गया, तो समझ लें कि ये बंदा जो है वो 100% रिस्क में चला गया। यूज ऑफ गाइडेंस एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, क्या जी लीगल स्टैंडर्ड्स हैं इसके, यूज ऑफ रिस्क मैटर्स कैन हेल्प प्रोवाइड क्लैरिटी। जो रिस्क मैटर्स हमने पीछे देखा था वो हमें क्या बताता है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कैन सेट इंटरनल रिस्क लेवल्स डैट रिक्वायर एक्शंस विद इन सेट टाइम स्केल्स। हम लोग जो के खतरे हैं उनका लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं एक टाइम के मुताबिक, यानी 5 दिन के अंदर अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, 5 डेज में, 7 डेज में, 10 डेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड द फाइंडिंग ऑफ अ रिस्क असेसमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपने रिस्क असेसमेंट कर दिया। इवन इफ द रिस्क इज लो, इफ द लॉ रिक्वायर्स इट, देन इट मस्ट बी डन। अगर रिस्क इतना लो है कि आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको कानून के मुताबिक रिस्क असेसमेंट करनी है। अप्लाइज आल्सो टू बी सेमी लीगल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, इस सेमी लीगल कोर्स पे भी अप्लाई होता है। गाइडेंस कैन आल्सो असिस्ट, रहनुमाई करने वाले जो बताने वाले वो उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। रेजिड्यूल रिस्क क्या होता है, एक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है, टॉलरेबल रिस्क क्या होता है, और अनएक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है। रेजिड्यूल रिस्क वो होता है द रिस्क लेवल वी आर लेफ्ट विद आफ्टर कंट्रोल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड। रेजिड्यूल रिस्क वो होगा कि आपने उसके ऊपर कंट्रोल लगाया, ठीक है, लगाने के बाद भी उस रिस्क के ऊपर, जैसे कि आपने अगर मास्क पहन लिया, लेकिन कोरोना का रिस्क अभी भी वही है, ठीक है,
लगाने के बाद भी, तो उसको आप रेजिडुअल रिस्क कहेंगे। एक्सेप्टेबल रिस्क कौन सा है? रिस्क हैज बीन रिड्यूस टू एन एडिक्यूएट लेवल, यानी आपने अपने अपने पीपीज पहने हुए, पूरे ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहना हुआ, ग्लासेस पहनी हुई हैं, ठीक है, तो आपके रिस्क जो है वो इतने आपने कम कंट्रोल कर लिया है कि आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो रिस्क कौन सा होता है? नॉट एक्सेप्टेबल बट कैन लिव विद इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरनल कंट्रोल्स। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ काम कर सकते हैं लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल रिस्क कौन सा है? रिस्क रिस्क इज टू हाई, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रिकॉर्ड सिग्निफिकेंस फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग, अहम आपने रिकॉर्डिंग करनी है जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। क्या क्या है टिपिकल कंटेंट्स, क्या क्या है उसमें? एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं आप, स्कैफोल्डिंग का काम है आपको, आपको ग्राइंडिंग का है, एक्सकवेशन, कोई भी आपने एक्टिविटी लिख दी, एरिया लिख दिया, ठीक है, और उसका आपने कौन कौन से हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए वो लिखने हैं। ग्रुप एट रिस्क, कौन कौन बंदा उस पर रिस्क पे है ये बताना है, ठीक है। रिस्क एट एडिक्यूसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, आपने बताना है रिस्क क्या है और आपके ऑलरेडी जो आपने कंट्रोल मेजर लगाए हुए हैं वो क्या क्या हैं। फर्दर प्रिकॉशंस नीडिंग, मजीद क्या क्या आप उसके ऊपर प्रिकॉशन लगाएंगे, कंट्रोल में ये लगाएंगे। डेट एंड नेम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, आपने डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है और उस बंदे का नाम लिखना है जिसने ये रिस्क असेसमेंट बनाई है। रिव्यू डेट, और उसके ऊपर रिव्यू डेट भी लिखनी है, कब इसको रिव्यू करना है। स्टेप फाइव रिव्यू, लास्ट जो है इसका वो है रिव्यू, जायजा लेना है इसको, रिव्यू करना है। सिग्निफिकेंट चेंज, अहम चेंज किसमें होगी, जब जब होगी इन प्रोसेस, अगर प्रोसेस चेंज कर दिया तो फिर रिव्यू करने की जरूरत है। वर्क प्लेस चेंज कर दिए तो फिर हमें रिव्यू की जरूरत है। सब्सटेंसेस, एनवायरमेंट, इक्विपमेंट, पर्सनल, ये कुछ भी अपने चेंज कर लिए इसमें तो हमें रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, एक्सीडेंट वैलिड नहीं है तब भी आपको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। चेंज टू लीगल, लीगल को चेंज हो गया है, नियर मिस हो गई है, ठीक है, इल हेल्थ है तो फिर भी, और पीरियोडिकली हो सकता है इसकी एक साल बाद भी इसको रिव्यू करने की जरूरत महसूस हो सकती है। चलिए ये ग्रुप एक्सरसाइज है, लॉन मोइंग घास काटने वाली मशीन है ये। यूजिंग टास्क एनालिसिस प्रिपेयर अ ब्रीफ रिस्क असेसमेंट एंड सजेस्ट कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व विद दिस एक्टिविटी। मशीन है घास काटने वाली, ठीक है, इसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हैं ये हमने डिस्कस करने हैं, उसको हम कैसे कम करेंगे, ये एक्टिविटी है, ये आप लोग घर बैठे करें। और अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आपको पास मेरा नंबर है, वो मेंशन इस पे भी किया हुआ, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी किया हुआ, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स, स्पेशल केसेस कौन कौन से होते हैं और वल्नरेबल वर्कर कौन कौन से होते हैं? यंग पर्सन अंडर 18 जो कि 18 साल से नीचे होते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस की तजर्बा नहीं होता, फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, यानी वो फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर मेच्योर नहीं होते, पुअर रिस्क परसेप्शन, ख्याल उनका कम होता है और वो मतलब रिस्क पे होते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप, हम ख्याल ग्रुपों के प्रेशर में आ सकते हैं, ठीक है। ईगर, शौकीन टाइप के बच्चे होते हैं। कंट्रोल मेजर्स, क्या क्या कंट्रोल मेजर लगाने हैं, जिसमें प्रोहिबिट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज, हाई रिस्क मशीनरी, आपने उनको मना करना है कि ज़्यादा रिस्क वाले काम नहीं करने, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड आवर्स, आपने काम का पैटर्न बताना है, उनको बताना है कि इतने घंटे आपने काम करने, इससे ज़्यादा काम करने का आपको आपने उनको नहीं कहना, ओवर टाइम लगाने की नहीं उनको अलाउ करना। ट्रेनिंग देनी है और सुपरविजन करनी है उनकी। न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स,
उनके लिए कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं जो न्यूली मदर बनती हैं या एक्सपेक्टेंट है। सर्टेन केमिकल्स, कुछ खास केमिकल्स होते हैं वो, सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट्स होते, मैनुअल हैंडलिंग यानी हाथ से वजन उठाना, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, लो टेम्परेचर भी ज़्यादा उनके लिए खतरनाक हो सकता है, द होल बॉडी वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन वाला काम करना जैसे ड्रिलिंग वगैरह, कोई इस तरह का काम जिससे बॉडी वाइब्रेट करे, आयनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन उनके लिए तापकारी श्वाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, नाइट शिफ्ट, रात को काम करने, क्योंकि उनको उनके लिए सोने का टाइम जो है जो बहुत मखसूस होना चाहिए, स्ट्रेस दबाव ना हो, वायलेंस किसी किस्म की आप कह सकते हैं कि उनके लिए शोर शराबा ना हो, डिसेबल्ड वर्कर्स, डिसेबल वर्कर्स कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिफाई हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब्स, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं बीमारी, हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब्स यानी कि उनकी सेहत और फिटनेस का इसमें आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है जी, कि आई साइट रिक्वायरमेंट्स टू ड्राइव फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, जो फोर्कलिफ्ट ट्रक्स चाहते हैं उनके लिए आई साइट लाजमी आइडेंटिफाई करनी, चेक करना है कि स्किन की आई साइट ठीक है कि नहीं ठीक। वर्कर्स विद नॉन डिसेबिलिटीज, कुछ लोग होते हैं जो है वो आप कह सकते हैं ब्लाइंड होते हैं, या कुछ ऐसे कह सकते हैं जिनके फ्रैक्चर्स होती है टांग वगैरह, पोलियो का शिकार होते हैं, कुछ कुछ डिसेबिलिटी हो सकती है, सुनना नहीं जाता, डेफ होते हैं, बोला नहीं जाता। लोन वर्कर्स ये कौन से होते हैं, वर्कर्स स्पेशली वल्नरेबल एंड मोर एट रिस्क, ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि ऑफ वायलेंस, इनको खतरा होता है किसी भी वायलेंस का, प्रिजनर ऑफिसर, जेल के अंदर होते हैं ये प्रिजनर के साथ, मेंटल हेल्थ नर्स, और ऐसी नर्स जो कि मेंटल लोगों के साथ उनकी रहनुमाई करती है, उनकी देखभाल करती है, मेंटल लोगों की, इफ़ दे आर इंजर्ड और इल, अगर वो इंजर्ड हो जाए अकेला या बीमार हो जाए, मिसाल के तौर पे कन्फाइंड स्पेस एंट्री में वो इंजर्ड हो गया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, वो अकेला काम कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा उसके लिए। एलिमेंट्स नंबर 3.6 है द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, अगर किसी भी किस्म की मैनेजमेंट में चेंज आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा इंपैक्ट ऑफ चेंज का, द इंपैक्ट ऑफ चेंज क्या है जी, चेंज इंक्लूड्स चेंजेस टू वर्क प्रोसेस इक्विपमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क टेम्परेरी वर्क्स, चेंज में क्या क्या जी, वर्क प्रोसेस चेंज हो गया, इक्विपमेंट चेंज कर दिया, प्रैक्टिसेस चेंज कर दी है, या एंड कंस्ट्रक्शन वर्क टेम्परेरी वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क चेंज कर दिया ठीक है, टेम्परेरी वर्क जो है उसमें क्या क्या आएगा जी, शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट मिल गया, सारे इलेक्ट्रिसिटी का काम मिल गया, टाइल्स का काम मिल गया ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस मेंटेनेंस का काम मिल गया, रेनोवेशन वर्क, उसकी रेनोवेशन करनी है बिल्डिंग की ठीक है, डेमोलिशन, बिल्डिंग को गिराना है, एक्सकेवेशन या खुदाई करनी है, मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, हम इस चेंज को कम कैसे कर सकते हैं, की मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जी, रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करेंगे हम उसकी, कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन, कम्युनिकेशन करेंगे सबके साथ और उनके साथ तावन करेंगे, बातचीत करेंगे, कॉम्पिटेंसी, वर्कर्स एंड मैनेजर, अच्छे वर्कर्स हम हायर करेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क एरिया, काम को अलग-अलग कर देंगे बाकी कामों से ठीक है, एमरजेंसी प्रोसीजर लगा देंगे इसके ऊपर, वेलफेयर प्रोविजन देंगे यानी कि ड्रिंकिंग वाटर देंगे, टॉयलेट फैसिलिटी वगैरह ये हम दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि वो जो चेंज मैनेजमेंट ऑफ चेंज होगी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज होगी उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क, ये क्या चीज़ होती है, फॉर्मल रिकॉर्डर, रस्मी तौर पर इसका रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग ठीक है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, रेगुलरली इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डेली इंस्पेक्शन हो रही है, एग्जामिनेशन हो रहा काम का, हैजर्ड्स आइडेंटिफाई, खतरों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सेफ मेथड्स यूज करते हैं ठीक है, इंटरनल
इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क। टू बी इफेक्टिव द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट ब्रिंग टूगेदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, पीपल, इक्विपमेंट, मटीरियल, एनवायरमेंट। इसमें क्या क्या आएगा जी, हु इज द सेफ सिस्टम वर्क फॉर, कौन कौन से लोग हैं जो काम करेंगे, व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या है, ठीक है, एट और टेक्निकल एबिलिटी क्या है, शुड दे हैव, जो कि वो काम करना चाह रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी और टेक्निकल एबिलिटी क्या है। इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होंगे इसके अंदर, सेफ्टी इक्विपमेंट विल, कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं सेफ्टी के, मटेरियल्स, व्हाट मटेरियल विल बी यूज और हैंडल्ड ड्यूरिंग द वर्क, कौन सा मटेरियल यूज हो सकता है और काम करने के दौरान। आगे चलते हैं जी, इन्वायरमेंट, वेयर विल बी द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस कौन सी है, लाइट उसमें है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, जगह कितनी है काम करने के लिए। लिंक टू रिस्क असेसमेंट, लिंक्ड टू रिस्क असेसमेंट, हैज इट आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल रिकॉर्डेड, हैज इट को आइडेंटिफाई करना है और कंट्रोल जो हम लगाएंगे उसको रिकॉर्ड करना है। डॉक्यूमेंटेड टू बी सेट स्टैंडर्ड इज क्लियर, जो कि डॉक्यूमेंट का है स्टैंडर्ड वो क्लियर होना चाहिए। डेवलप्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको बनाएगा। लीगली रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टेंसेस, लीगली रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टेंसेस, एम्प्लायर्स लीगली रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे वाकयात में इसको लीगली हमें जरूरत है, जैसे कि एम्प्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर दैम, ये एम्प्लायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बनाने के लिए, ये एम्प्लायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बनाने के लिए। वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो दैम, और वर्कर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फॉलो करने के लिए, यानी कि इसके कहने का मकसद यह है कि लीगली ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है सीरेडम का, सेलेक्ट टास्क, रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ टास्क, एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, डेवलप सेफ सिस्टम, इंप्लीमेंट सेफ सिस्टम, मॉनिटर टू इंश्योर इट इज इफेक्ट ऑन नॉट, यानी कि हमने टास्क को सेट कर लिया, फिर उसकी स्टेजेस को रिकॉर्ड किया कि क्या काम के दौरान क्या क्या होगा, ठीक है, फिर हमने उसके साथ रिस्क को एवेल्युएट कर लिया कि कौन क्या क्या इसके रिस्क होंगे इस स्टेप पे, फिर हमने वर्किंग सेफ वर्किंग मेथड डेवलप किया, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया उसको, और फिर मॉनिटर किया कि क्या ये इफेक्टिव भी है या नहीं है। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि द स्टेप्स इन चेंजिंग अ व्हील, आपने कार का गाड़ी का व्हील चेंज करना है, स्टेप उसने 9 स्टेप तक लेके गया है। स्टेप 1 है पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन, एक सेफ जगह पे आपने कार को पार्क करना है। रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम बूट, यानी कि आपने इक्विपमेंट जो है वो निकालने हैं सारे के सारे। लूजन व्हील नट्स, आपने व्हील के जो नट है उसको लूज कर देना है। जैकअप कार, आपने कार को जैकअप जैक जैक कर देना, जो ऊपर कर देना है जैक हैमर से। रिमूव व्हील नट्स, व्हील नट्स आपने रिमूव कर देने हैं। रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स, आपने व्हील को और व्हील नट्स को आपने रिप्लेस कर देना है। लोअर कार, कार को नीचे लेके आना है, रिमूव जैक, जैक को रिमूव कर देना है। टाइटन व्हील्स नट्स, आपने उसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। रिप्लेस इक्विपमेंट इन बूट, और आपने इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देना। अब इसके साथ क्या है जी, आपने एक एक स्टेप में, 9 स्टेप है इसके, क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द हैजर्ड, सबके आपने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, देन आइडेंटिफाई द कंट्रोल, फिर आपने उसको कंट्रोल बताने के उम्र से। सो स्टेप नंबर 1, चेंजिंग व्हील माइट हैव हैजर्ड, क्या है, ट्रैफिक रिस्क ऑफ वायलेंस, ट्रैफिक भी हो सकती है इर्द गिर्द और इसको फाइलेंस भी हो सकता है। कंट्रोल क्या है, सेलेक्ट लोकेशन ऑफ रोड इफ पॉसिबल, आप रोड से हट के काम करें अगर हो सकता है तो। यूज हैजर्ड लाइट्स, हैजर्ड लाइट्स अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करें। इफ यू फील एरिया इज अनसेफ एट नाइट, और इफ वल्नरेबल ग्रुप कार रिकवरी सर्विस एट स्टे एंड स्टे इन द कार, अगर आप समझते हैं कि वो एरिया ठीक नहीं है और रात का टाइम है तो आप गाड़ी के अंदर रहें और उसको लॉक कर दें और कॉल करें सर्विस के लिए। ग्रुप एक्सरसाइज करनी है जी, सजेस्ट हैजर्ड एंड कंट्रोल फॉर ईच स्टेप ऑफ वर्क, एग्जाम्पल चेंजिंग अ व्हील, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके 9 स्टेप्स थे और उसके आपने हैजर्ड्स और कंट्रोल लिखने हैं।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे मैसेज पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर्स ऑफन मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, बहुत मुश्किल स्टेज होती है। कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट्स हेल्प गेन बाय इन फ्रॉम वर्कर्स। कंसल्टेशन और एंगेजमेंट जो है वो वर्कर्स की तरफ से वो फायदेमंद साबित हो सकती है। अलाउ कंसर्न्स टू बी रेज एंड एड्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। काम के दौरान जो कि कंसर्न है वो पे उसको वो भी काफ़ी ज़्यादा रेज होते हैं, यानी कि मसाइल रेज होते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन मे नीडेड डिटेल ट्रेनिंग इन स्कोप ऑफ वर्क। मालूमात देना है, हदायत देनी है, तरबियत देनी है और सुपरविजन करनी है जो कि स्कोप ऑफ वर्क में बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग द सिस्टम, सिस्टम को मॉनिटर करना है जी, मस्ट मॉनिटर टू इंश्योर करें सेफ सिस्टम वर्क इज बीइंग अप्लाइड करेक्टली। ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज अ सेफ एज वाज इंटेंडेड। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो एक किस्म का सेफ है। सेफ इसको मस्ट मॉनिटर टू इंश्योर सेफ सिस्टम वर्क इज बीइंग अप्लाइड करेक्टली। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज अ सेफ एंड वाज इंटेंडेड, यानी कि ये सही तरीके से आप इसको अप्लाई करें और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है ये सेफ है कि नहीं, इसको मॉनिटर करना आपने। एक ग्रुप एक्सरसाइज और आ गई है, यूजिंग सीरीडम डेवलप अ सिंपल सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर द टास्क टू योर ग्रुप। मेकिंग अ कप ऑफ टी, एक चाय बनानी है आपने, उससे रिलेटेड आपने सीरीडम का जो फार्मूला यूज करते हुए, क्योंकि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है तो उसका आपने बताना है कि कैसे बना, क्या किया जाएगा इसके साथ। मेकिंग अ बैच ऑफ सीमेंट विद द सीमेंट मिक्सचर, सीमेंट ऑफ मिक्सचर बनाना है आपने, ठीक है, मिक्सचर के साथ आपने सीमेंट को आपने मिक्स करना है। पेंटिंग आ सीलिंग, सीलिंग छत की जो है उसको पेंट करना है। परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है? ये एक इजाजतनामा होता है क्लाइंट की तरफ से या ऑनर की तरफ से वहां काम करने के लिए होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में वापडा वाले लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, उनको परमिट लिया होता है उन्होंने, वो काम कर रहे होते हैं, ट्रांसफार्मर पे काम कर रहे होते हैं या लाइंस पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने परमिट लिया। इसी तरह के परमिट्स होते हैं इनके पास काम करने के लिए, हर जो कि हैजर्डस वर्क होता है उसके लिए परमिट चाहिए होता है। अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट सेफ्टी प्रोसीजर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होता है सेफ्टी प्रोसीजर, ठीक है, जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क करता है, यानी सेफ रखता है काम को। किस किस के लिए? हॉट वर्क, जिसमें वेल्डिंग ग्राइंडिंग आ जाती है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्योंकि हाई वोल्टेज की जो लाइंस होती हैं उसके ऊपर काम करना हो। कन्फाइंड स्पेस एंट्री, किसी बॉयलर में, किसी पिट में, या किसी आप कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में काम करना है। ऑपरेशनल पाइपलाइंस, वो पाइपलाइन जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है जिसमें से गैस निकल रही है, या आप कह सकते हैं या उसमें से ऑयल वगैरह जा रहा है, तो उसको उसके ऊपर काम करना है। एक्सकेवेशन नियर बुरिड सर्विसेज, वहाँ एक्सकेवेशन करनी है जहाँ से नीचे आप समझ कह लें कि फैसिलिटीज जा रही हैं, पाइपलाइन जा रही है कोई, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जा रही हैं, वहाँ आपने एक्सकेवेशन करनी है, तो उसके लिए आपको परमिट टू वर्क चाहिए। कम्प्लेक्स मशीनरी, क्योंकि मशीनरी बड़ी कम्प्लेक्स है, यानी मशीन है, आप कह सकते हैं कि क्रेन है, ठीक है, क्रेन जो है वो 500 टन की है, तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी में काउंट होती है, ठीक है। ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन इशू, अब उसको ऑपरेशन कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है परमिट वर्क को, कैसे ये काम करता है ये देखें। इशू कैसे इशू होगा जी? डिटेल ऑफ द वर्क, आपने पूरी डिटेल लिखनी है काम की। लोकेशन कहाँ काम होगा ये लिखना है, डेट टाइम ड्यूरेशन, किस तारीख को करना है, किस टाइम को करना है, कितनी देर के लिए काम करना है, ठीक है। हैजर्ड्स लिखने हैं, उसके कौन कौन से हैजर्ड्स हैं।
आइसोलेशन कंट्रोल्स को क्या क्या है वो अपने देख लिखने से ऊपर, पीपीई, पीपीई कौन कौन से यूज होते हैं ये लिखना है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन इशूइंग परमिट, आपने नाम और सिग्नेचर लिखना है जो बंदा इसको इशू करेगा। रिसेप्ट, जो बंदा लेगा उसको वो क्या करेगा, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग परमिट, जिस बंदे ने इसको रिसीव करना है वो उसके ऊपर साइन करेगा और नाम लिखेगा। वर्क कैन स्टार्ट, काम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियरेंस रिटर्न टू सर्विस, जब उसको काम कंप्लीट हो जाएगा तो परमिट साइन बैक टू द कंफर्म वर्कर्स आर फिनिश, ये आपने साइन करना है कि काम खत्म हो गया और क्या हुआ, कैंसिलेशन, उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है, और उसको साइन करना है एक्सटेंशन, अगर उसको एक्सटेंशन की जरूरत है फिर उसको इफ नेसेसरी तो फिर उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। एलिमेंट नंबर 3.9, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड। एमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या क्या है और फर्स्ट एड क्या है, व्हाट एमरजेंसी कुड ऑकर अदर देन फायर, फायर के अलावा कौन कौन सी एमरजेंसी हो सकती हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए। द नीड फॉर एमरजेंसी प्रोसीजर, एमरजेंसी प्रोसीजर्स की जरूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड दैम, क्यों जरूरत, एमरजेंसी प्रोसीजर्स की जरूरत क्यों है, बिकॉज डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशन यू टेक थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग, आपने सारे प्रिकॉशंस ले लिए, सारे कंट्रोल मेजर्स आपने अप्लाई कर दिए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, फायर, फायर लग सकती है, बम थ्रेट, बॉम्ब का खतरा हो सकता है, स्पिलेज ऑफ हैजर्ड्स केमिकल, कोई केमिकल जो है वो उसका हैजर्ड वो लीक कर सकता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकती है, सवेयर वेदर, वेदर खराब हो सकता है, बारिश हो सकती है, तेज बारिश, आंधी आ सकती है, हाई स्पीड हो सकती है, विंड स्पीड, मल्टीपल कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो सकता है अचानक, ठीक है, उसकी वजह से कैजुअलिटीज हो सकती हैं काफ़ी, टेररिस्ट, सिक्योरिटी इंसिडेंट, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरेंजमेंट क्या है एमरजेंसी प्रोसीजर के, द फोर्सेबल एमरजेंसीज, फोर्सेबल एमरजेंसीज जो कि अहम एमरजेंसीज हैं वो, प्रोसीजर फॉर रेजिंग द अलार्म, अलार्म को रेज कैसे करना, अलार्म कैसे बजाना है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रोसीजर को फॉलो कैसे करना है, सुइटेबल एमरजेंसी इक्विपमेंट, कौन कौन से एमरजेंसी इक्विपमेंट होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ कौन सा है, डीलिंग विद मीडिया, मीडिया से कौन डील करेगा, कॉन्टैक्टिंग एमरजेंसी सर्विसेज, एमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करना, यानी कि एमरजेंसी अलार्म सिस्टम इसके अंदर आएगा, फिर जितने प्रोसीजर्स को भी हमने फॉलो करना है, इक्विपमेंट जो है एमरजेंसी इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और कोई भी हो सकते हैं उसके अंदर से, उसको आपने कैसे यूज़ करना है, ये जिसने यूज़ करना है वो रिस्पॉन्सिबल स्टाफ है, ठीक है, और मीडिया से डील किसने करनी है, और एमरजेंसी सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने मैंशन करने हैं। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अरेंज, क्या क्या कंपनी को चाहिए अरेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लैंडलाइन, मोबाइल्स, ETC, यानी नंबर आपके पास होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आपके पास या लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, नेशनल एंड लोकल नंबर्स, नेशनल नंबर जैसे 1122 पाकिस्तान में है, ठीक है, या 15 है, ये आपने लिखे होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और उन लोगों के नाम भी लिखे होने चाहिए जो कि जैसे HSC मैनेजर भी हो सकता है, साइट मैनेजर भी हो सकता है, या HSC सुपरवाइजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उनके नाम भी, नंबर भी आपने लिखने हैं। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ट्रेनिंग देनी है आपने और टेस्ट भी करना, क्या करना जी, एडिशनल ट्रेनिंग फॉर नॉमिनेटेड इंडिविजुअल, आपने ट्रेनिंग देनी है उन लोगों को, देयर रोल्स इन द एमरजेंसी, जिनका रोल होगा एमरजेंसी में, जिन्होंने एमरजेंसी को हैंडल करना है उनको आपने ट्रेनिंग देनी है, सेफ हैंडलिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, यानी उन इक्विपमेंट को यूज़ करने का तरीका कैसे है, सेफ तरीके से उनको यूज़ करना है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स शुड बी प्रैक्टिस्ड थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज, आपने उस एमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करना है ड्रिल के जरिए और एक्सरसाइज के जरिए, ये एक किस्म का टेस्टिंग होता है, पहले ड्रामा टाइप आप कह सकते हैं कि ड्रामा करते हैं पहले कि अगर आग लग गई तो कैसे उससे निकलना है, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एमरजेंसी हो जाती है तो उससे कैसे निकलना है। फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन, फर्स्ट एड प्रोविजन चाहिए
क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फैसिलिटीज फैसिलिटीज होनी चाहिए, एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, एक लोकेशन उसके लिए मुख्तस की जानी चाहिए जिस पे आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। इक्विपमेंट देने चाहिए उसको फर्स्ट एड के, एक फर्स्ट एड किट होती है, बॉक्स होता है, उसके अंदर हर मेडिसिन वगैरह होती है, बैंडेज वगैरह होती हैं, वो उसको दें आप। पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ दें, ट्रेनिंग दें लोगों को, स्टाफ को, पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ, यानी स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए आपको। फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, कौन कौन सी फर्स्ट एड फैसिलिटीज हो सकती हैं, सेंट्रली लोकेटेड एसेसेबल बाय एमरजेंसी सर्विस, आपको दरमियान में इसको रखना चाहिए ताकि इजीली आप लोग उसके पास जा सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। क्लीन एंड एडिक्युएटली हीटेड वेंटिलेटेड एंड लिट, आपको साफ सुथरा होना चाहिए और वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। हैंड वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए, चेयर क्लिनिकल वेस्ट बिन ईटीसी, चेयर हो वहाँ, क्लिनिकल वेस्ट बिन होने चाहिए वहाँ, ठीक है। इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, फर्स्ट एड किट वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, आई वॉश स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे अगर आँख में कोई चीज़ चला जाता है तो उसको धोने के लिए आई वॉश स्टेशन होना चाहिए, एमरजेंसी शावर होना चाहिए, वो पोर्टेबल भी मिल जाते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट्स होने चाहिए, सिम्पलीट्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, स्ट्रेचर्स होने चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए और अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड, ये भी होनी चाहिए। फर्स्ट एड पर्सनल, इसका बेसिक प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का कि अगर आप इंजर्ड पर्सन है और उसको आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या, थ्री पीस का आप लोग डिस्कस करेंगे। पहला है प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को बचाना है आपने। प्रिवेंट डिटोरिएशन, मजीद ख़राब होने से उसको बचाना है। प्रमोट रिकवरी, जल्दी रिकवरी के लिए उसको कोशिश करनी है। एंड टू ट्रीट एलिमेंट्स डैट रिक्वायर नो फर्दर मेडिकल हेल्प, मामूली सा आपने प्रॉब्लम में भी आपने उसको ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है, ताकि उसकी मेडिकली हेल्प हो जाए। ग्रुप एक्सरसाइज है, डिस्कस द इश्यूज डैट यू वुड नीड टू कंसीडर डिसाइड अ लेवल ऑफ फर्स्ट एड कवर इन योर वर्क प्लेस, आपने इशू डिस्कस करें कि क्या क्या चाहिए आपको, किस लेवल पे फर्स्ट एड आपको चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। फर्स्ट एड पर्सनल, ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए जिनको ट्रेनिंग दी हो, आपने अपॉइंट करना है उनको, ठीक है, और उनको अपनी बेसिक ट्रेनिंग देनी है। एमरजेंसी फर्स्ट एडर्स एंड फर्स्ट एडर्स, एमरजेंसी फर्स्ट एडर्स और फर्स्ट एडर्स, ये दोनों आपने उनको उनको कहते हैं जी EFW एंड FW, दोनों ट्रेनिंग देनी है। कवरेज विल डिपेंड ऑन जनरल रिस्क लेवल ऑफ वर्क प्लेस, आपका रिस्क लेवल कितना है वर्क प्लेस का, थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपने इसको फर्स्ट एडर्स अपॉइंट करने हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स कितने कितने बंदे हैं आप काम कर रहे हैं, द हैजर्ड प्रेजेंट द वर्क प्लेस कितने हैं, क्या हैजर्ड क्या क्या है, ये आपने देखना है। वर्क पैटर्न्स एंड शिफ्ट सिस्टम, वर्क काम का नोयत क्या है और उसके शिफ्ट कितनी है, दो शिफ्टों पे काम हो रहा है, किस तरह है। वर्क प्लेस लोकेशन, लोकेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा, लोकेशन कहाँ है। एक्सीडेंट हिस्ट्री, उसकी पिछली एक्सीडेंट हिस्ट्री कौन कौन सी क्या क्या है। साइज एंड स्प्रेड ऑफ वर्क प्लेस, साइज कितना है इसका, 500 का है, 5000 का वर्क प्लेस है आपका, मुझे नहीं है उनका, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं कितने, वर्कर्स हैं आपके, ठीक है। वल्नरेबल पर्सन्स कितने हैं आपके पास, जो कि डिसेबल वर्ल जो आप कहते हैं यंग वर्कर्स कितने हैं आपके पास, ये आपने मैटर करता है। ग्रुप एक्सरसाइज, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल टू बी फर्स्ट एडर, क्या चीज़ें आपने कंसीडर करनी है जब आपने किसी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी है या उसको सेलेक्ट करना है फर्स्ट एडर के लिए। सेलेक्टिंग स्टाफ टू बी फर्स्ट एडर, जब आपने सेलेक्टिंग स्टाफ करना है यानी फर्स्ट एडर के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट करेंगे। रिलायबल, काम, गुड कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका उसका बेहतरीन होना चाहिए, पूरा एतमाद होना चाहिए, पूरा सुकून होना चाहिए बंदा, ठीक है। अवेयर ऑफ ऑन लिमिटेशन एंड ऑफ द ट्रेनिंग, उसको उसे कंपनी की कमियां पता होनी चाहिए और ट्रेनिंग का पता होना चाहिए। एबिलिटी टू अब्जॉर्व न्यू नॉलेज एंड लर्न, उसको सीखने का शौक होना चाहिए, ठीक है, और वो नॉलेज को सीख ले, वो जो ऑब्जर्व कर ले, अब्जॉर्व कर ले। एबिलिटी टू कॉप विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने का उसको उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एबल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की
काबिलियत होनी चाहिए, फिजिकली फिट, फिजिकली फिट होना चाहिए वो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द नीड फॉर फर्स्ट एडर, कंसिडरिंग जेंडर एथेनिसिटी एंड रिलीजियस कन्विक्शन। जब भी आपने फर्स्ट एडर को आपने कंसंट्रेशन करनी है तो आपने उसका जेंडर एथेनिसिटी और रिलीजियस को भी आपने चेक करना है, कंसिडर करना है। मस्ट बी एबल टू बी रिलीज फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज टू अटेंड एन इंसिडेंट। अगर कोई आम वर्कर है, कोई और भी काम कर रहा है, तो उसका काम ऐसा होना चाहिए कि जो वो इजीली वहाँ से निकल के इंसिडेंट वाली एरिया पे पहुँच जाए। समरी, हमने क्या डिस्कस किया इन दिस एलिमेंट में, हमने क्या स्टडी किया इस एलिमेंट में? डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या था और ये क्यों अहम है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में? आउटलाइन आवर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड। हमने बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है। आइडेंटिफाई द ह्यूमन फैक्टर विच पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क इन अ वे दैट कैन अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी। हमने वो फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए, ह्यूमन फैक्टर्स, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिवली असर पड़ सकता है काम पे और हेल्थ एंड सेफ्टी पर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फाइव स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट्स एंड द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल को भी हमने बताया और फाइव स्टेप्स बताए रिस्क असेसमेंट के। एग्जामिन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, एग्जामिन किया जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन को। आइडेंटिफाई द कंट्रोल मैयर्स एसोसिएट विद मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन वर्क प्लेस। कंट्रोल में ये क्या क्या थे मैनेजमेंट ऑफ चेंज के साथ, ये हमने डिस्कस किया। डिस्क्राइब व्हाट मे बी कंसीडर्ड व्हेन डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर जनरल एक्टिविटीज। हमने जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप कैसे करते हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं एक्टिविटीज पे, ये हमने डिस्कस किया। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ परमिटिव वर्क सिस्टम। परमिटिव वर्क सिस्टम क्या है, इसका कैसे रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या, कैसे काम कैसे करता है, ये डिस्कस किया। आउटलाइन द नीड ऑफ फॉर एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट फॉर कॉन्टैक्टिंग एमरजेंसी सर्विसेज। एमरजेंसी प्रोसीजर की जरूरत क्यों है, ये हमने डिस्कस किया, और इसके क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं ये हमने डिस्कस किया। आगे अंडरस्टूड व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को कैसे आप इफेक्टिव कर सकते हैं इन द वर्क प्लेस, ये डिस्कस किया। दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एलिमेंट एलिमेंट मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो ये इसके साथ साथ, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस पे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी आपके सामने है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।